वेलकम बैक क्लास फिफ्थ. वी आर कंटिन्यूइंग आवर लेसन नंबर 4 ऑफ SST विद अ टॉपिक प्लेन्स. अ वास्ट स्ट्रेच ऑफ फ्लैट एंड लेवल लैंड इज कॉल्ड अ प्लेन. एक फ्लैट और लेवल मतलब सीधी सपाट जो धरती होती है उसे हम प्लेन के नाम से जानते हैं. प्लेन्स आर ऑल्सो कॉल्ड लो लैंड्स और प्लेन्स को लो लैंड्स भी बोला जाता है. एंड एक्सटेंड ओवर 100 of kilometers और ये जो है 100 of kilometers तक फैली हुई है. अबाउट अर्थ की सरफेस का एटलीस्ट 1/3 part कवर्ड है प्लेन से. प्लेन्स फाउंड अलोंग द सी. प्लेन्स जो हैं वो सी में मतलब समुद्र में जो पाई जाती हैं उनको हम बोलते हैं कोस्टल प्लेन्स. फॉर एग्जाम्पल द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है इंडिया. इसका एग्जाम्पल है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो इंडिया में है. प्लेन्स आर यूजुअली फाउंड बाय रिवर्स और प्लेन्स जो हैं वो जनरली रिवर्स के द्वारा बने हुए हैं. द रिवर्स फ्लोइंग डाउन फ्रॉम माउंटेन्स. रिवर्स जो माउंटेन से बहती हुई नीचे आती हैं अपने साथ सैंड और सिल्ट साथ में लेकर आती है. विच दे डिपॉजिट अलोंग द रिवर बैंक्स और जो नदियों के किनारों पर जमा होते जाते हैं. वो जगह बहुत ही फर्टाइल होती है उसे फर्टाइल प्लेन्स बोलते हैं. जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर्स जो हैं वो नॉर्दर्न प्लेन्स इंडिया में बनाती हैं. सम स्पेशल फीचर्स ऑफ प्लेन्स. प्लेन्स के फीचर्स क्या हैं. द सिल्ट ब्रॉट डाउन बाय द रिवर्स मेक द सॉइल वेरी फर्टाइल. जो सिल्ट है जो नदियाँ नीचे बहाकर लाती हैं और वो धरती बहुत ही फर्टाइल हो जाती है एंड सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर और फसल उगाने के लिए एग्रीकल्चर खेती के लिए बहुत अच्छी होती है. अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स और यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी की क्रॉप्स को उगाया जा सकता है. प्लेन्स आर थिकली पॉपुलेटेड. प्लेन्स पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है बिकॉज ऑफ द अबंडेंट अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. क्योंकि यहाँ पर बहुत प्रचुर मात्रा में पानी रहता है एंड फ्लैट लैंड पर कंस्ट्रक्शन करना भी बहुत इजी होता है. सिंस एंशियंट टाइम पुराने समय से ही प्लेन्स हैव सर्व्ड अ क्रेडल ऑफ सम ऑफ द वर्ल्ड्स मेजर सिविलाइजेशन. और प्लेन्स ने जो मेजर सिविलाइजेशन है वो प्लेन्स पर ही रहती आई हैं. रिवर्स अ नेचुरल डाउनवर्ड स्ट्रीम ऑफ वाटर मतलब प्राकृतिक रूप से जब पानी नीचे की तरफ बहता है फ्रॉम द माउंटेन इज कॉल्ड अ रिवर और उसको हम रिवर बोलते हैं. इट फ्लोज टूवर्ड्स एन ओशन और सी और ये ओशन या समुद्र की तरफ बढ़ता है. अ रिवर ऑन इट्स जर्नी फ्रॉम द माउंटेन्स टू द ओशन पासिस थ्रू 3 different stages और जो रिवर है अपने माउंटेन से ओशन तक जाने के सफर में 3 ages को पास करती है. जैसे एक यूथफुल मेच्योर एंड ओल्ड ये 3 ages हैं. फर्स्ट स्टेज ऑफ द रिवर इज इट्स यूथफुल और अपर स्टेज. ये वाली जो एज होती है जो फर्स्ट स्टेज है वो है यूथफुल या फिर अपर स्टेज. यहाँ पर स्टीपनेस ऑफ द माउंटेन्स मेक्स द रिवर फ्लो डाउन इन द ग्रेट स्पीड. क्योंकि ये माउंटेन्स से निकलती है तो अपर स्टेज के अंदर इसका जो फ्लो है वो बहुत ही स्पीडी होता है जो कि इवन रॉक्स को कट करते हुए निकलता है और वी शेप्ड वैलीज को बनाता है. वाटरफॉल्स कैनियंस और वाटरफॉल्स और कैनियंस भी इसी वजह से बनते हैं. सेकेंड स्टेज ऑफ मैच्योर स्टेज. सेकेंड स्टेज रिवर की है. मैच्योर स्टेज भी बोलते हैं इसे. बिगिंस व्हेन इट लीव्स द माउंटेन. जब ये माउंटेन्स को छोड़ देती है तो सेकेंड स्टेज हो जाती है वो है मैच्योर स्टेज एंड एंटर्स द प्लेन्स और यहाँ पर ये प्लेन्स पे एंटर करती है. हेयर इट स्वेल्स. स्वेल्स मतलब इसकी जो एंड बिकम्स ब्रॉड. यहाँ पर ये इसका जो पानी है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और ये काफ़ी फैल जाती है. द स्पीड ऑफ द रिवर डिक्रीजेज एट दिस स्टेज. यहाँ पर स्पीड रिवर की कुछ कम हो जाती है. रिवर लूप्स कॉल्ड मेंडर्स एंड ऑक्स वो लेक्स फॉर्म एट दिस स्टेज और इस जगह पर क्या बनते हैं मेंडर्स और ऑक्स बो लेक्स बनते हैं. द थर्ड स्टेज इज ओल्ड स्टेज. ये है थर्ड स्टेज जो है वो उसे ओल्ड स्टेज बोलते हैं और इस स्टेज में मूवमेंट रिवर का बहुत ही स्लगिश हो जाता है मतलब बहुत धीमा धीमा हो जाता है एज इट एंटर्स द सी.
और यहाँ पर ये सी में मिल जाती है और इसकी कई शाखाएं बढ़ जाती हैं, स्मॉल स्ट्रीम्स छोटी छोटी धाराओं में बढ़ जाती है ये, जिसे डिस्ट्रीब्यूटरीज भी बोलते हैं। ए डेल्टा इज मेड बाय द रिवर एट दिस स्टेज, यहाँ पर जो रिवर है वो डेल्टा बनाती है, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा, पूरे वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट डेल्टा है वो है सुंदरबन डेल्टा, जो कि बनाया है गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर्स ने, जो इंडिया में है। डेजर्ट्स, डेजर्ट्स आर वास्ट सैंडी एरियाज, डेजर्ट्स जो हैं वो बहुत फैले हुए ऐसे एरियाज हैं जो सैंड से बने हैं, और यहाँ पर जो सी वेरी लिटिल, यहाँ पर या तो बारिश होती ही नहीं है या बहुत कम होती है। टेम्परेचर जो है डेजर्ट्स का बहुत ही एक्सट्रीम होता है, इट मीन्स यहाँ पर लिमिटेड फ्लोरा एंड फौना पाए जाते हैं। डेजर्ट्स दो तरीके के होते हैं, कोल्ड एंड हॉट, लद्दाख एंड द थार डेजर्ट आर एग्जांपल्स ऑफ कोल्ड एंड हॉट डेजर्ट। लद्दाख डेजर्ट जो है वो है कोल्ड डेजर्ट का एग्जांपल एंड थार जो है वो हॉट डेजर्ट का एग्जांपल है। और डेजर्ट्स के फीचर्स क्या है, सम ऑफ द स्पेशल फीचर्स ऑफ हॉट डेजर्ट्स, एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस प्रिवेल इन डेजर्ट्स, यहाँ पर बहुत ही कठिन परिस्थितियाँ होती हैं, दिन तो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं और नाइट बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं। डेजर्ट्स आर जनरली वेरी ड्राई, डेजर्ट्स जो है बहुत सूखे एरिया होते हैं क्योंकि यहाँ पर बारिश होती नहीं है या फिर बहुत कम होती है। सैंड स्टॉर्म्स आर कॉमन, यहाँ पर रेत के तूफान आते हैं जो कि बहुत कॉमन है। स्मॉल हिल्स ऑफ सैंड कॉल्ड ड्यून्स, जो छोटी छोटी हिल्स हैं सैंड की उन्हें हम ड्यून्स बोलते हैं, आर फॉर्म्ड एज अ सैंड मूव फ्रॉम, और ये कैसे बनती हैं, जब हवा की बहुत तेज़ हवा चलती है तो एक जगह से दूसरी जगह पे जो सैंड है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाती है, जो कि सैंड ड्यून्स बनाती है। प्लांट्स लाइक कैक्टी एंड डेट पाम्स, कैक्टी के मतलब कैक्टस भी बोलते हैं इसे, और डेट पाम्स जो कि जिन्हें पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है वो इन एरियाज में पाए जाते हैं। समटाइम्स वाटर कलेक्ट्स इन स्मॉल पूल्स, कुछ कभी कभी क्या होता है, पानी जो है वो स्मॉल पूल्स अराउंड विच वेजिटेशन ग्रोस, मतलब स्मॉल पूल्स मतलब छोटे छोटे तालाबों के रूप में इकट्ठा हो जाता है अगर एक जगह पे, तो वहाँ पर थोड़ी बहुत वेजिटेशन हो जाती है। वेजिटेशन मतलब कुछ पेड़ पौधे उग जाते हैं, इट इज़ कॉल्ड एन ओसिस, और इसे हम ओसिस बोलते हैं, राइट। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर एक डायग्राम भी दिया है आपको स्टेजेस ऑफ रिवर के ऊपर, आप देख सकते हो रिवर सोर्स, ये है हमारा माउंटेन, माउंटेन से ये रिवर सोर्स हो गया, रिवर का सोर्स जहाँ से नदी निकलती है, और यहाँ पे वाटरफॉल्स बने, ट्रिब्यूटरी जहाँ से नदी जो है वो दूसरे पार्ट में डिवाइड हो गई, ऑक्सबो लेक बन रही है यहाँ पे, मेंडर, फूड प्लेन्स, डेल्टा एंड रिवर माउथ। तो रिवर की माउंटेन से लेकर ओशन तक की जर्नी में 3 स्टेजेस कवर हो जाती हैं। ओके स्टूडेंट्स, विल मीट इन नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय।